पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर स्थित कुलटी थाने के सक्तोड़िया इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां कोरोना वायरस को मात देकर घर वापसी के दौरान एक व्यक्ति के स्वागत गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। इन लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। घटना की सूचना मिलने के बाद कुलटी थाने के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और गाजे बाजे के साथ निकले स्वागत जुलूस को रोककर लोगों को वहां से हटाया। जानकारी के अनुसार मोहम्मद इरफान अंसारी नामक एक व्यक्ति पिछले 25 मई को मुंबई से अपने घर सक्तोड़िया आया था। जांच के बाद वह कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद 30 मई को उसे इलाज के लिए दुर्गापुर स्थित सनाका अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब इलाज के बाद उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया है, इसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। गुरुवार को मोहम्मद इरफान अंसारी वापस अपने घर सक्तोड़िया पहुंचा तो उसके स्वागत में घर वालों के साथ ही आसपास के लोगों ने गाजे बाजे का भी आयोजन किया। गाजे बाजे के साथ निकले इस स्वागत जुलूस में उसे फूल मालाओं के साथ साथ स्वागत किया गया, लेकिन तमाम नियम और कानून को ताक पर रखकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए यहां लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया। क्या हमारा मन हमें चला रहा है या हम अपने मन को आज के इस कठिनाई भरे समय में अपने अवचेतन मन को सशक्त कर सकारात्मक ख्यालों की ओर आइए बढ़ाएं एक कदम होप के साथ। जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पे और देखिए हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस। And all what is whatever is happening in India and around the globe, एक बात को सामने आती है कि हम लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जानवर और परिंदे कैद में कैसा महसूस करते होंगे।